सिद्धार्थनगर जिले के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने शिरकत की। महामहिम राज्यपाल ने अपने उद्बोधन के दौरान कहा कि इस विश्वविद्यालय में बुद्ध से जुड़ी हुई फैकल्टी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले जिन छात्रों को पदक दिया जाता था वो जो परिधान पहन कर आते थे वो गुलामी का प्रतीक था। मैंने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को बुलाकर सबसे कहा कि जब छात्रों को दीक्षांत समारोह में मेडल दिया जाए तो उसी परिधान में वो हों जो अपना परिधान है। बताते चले कि इस विद्यालय में 7 जिलों के कॉलेज से जुड़े हैं। इन जिलों के कॉलेजों में 1,00,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं परीक्षा पास कर चुके हैं। यह विश्वविद्यालय 2 वर्षों से ही अपनी ख्याति बनाने में कामयाब रहा है। नेपाल के बॉर्डर पर यह यूनिवर्सिटी है। आपने अभी बहुत विस्तार से इसका प्रकाश भी डाला, रेखांकन भी किया, क्या बुद्ध से रिलेटेड कोई एक बड़ा अध्ययन केंद्र आप यहाँ दिलवा सकते हैं? इस दिशा में कोई पहल आपके स्तर से हो सकती है? अभी मुझे लगा कि मैंने जो कहा है यहाँ होना चाहिए, जब होना चाहिए कहता हूँ तो मैं कुलाधिपति हूँ और कुलाधिपति इस प्रकार के राज्य सरकार की जो विश्वविद्यालय होता है उसके लिए उचित निर्देश राज्य सरकार को देते रहते हैं। वो निर्देश दिया जाएगा और जिस प्रकार का मुख्यमंत्री जी के ऐसे विषयों पर एक रुझान रहता है इसके आधार पर मैंने कुलपति जी को ये कहा है कि आप इस विषय पर एक ठीक प्रकार से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखने के बाद हम निर्णय करेंगे। उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता होगी तो करेंगे, लेकिन वास्तव में बुद्ध धर्म और बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति, इनका एक विशेष अध्ययन यहाँ होना चाहिए। इस भूमिका में हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बस धन्यवाद।